तो यहाँ पे करे जा रहा धर्म पुण्य का काम। बच्चों ने छीन लिया मेरे से, मैंने डालने के लिए लिया था, लेकिन बच्चे मन के सच्चे बच्चों के हाथ से धर्म पुण्य का कार्य करवाया जाए। और रसगुल्ला हमारा उधर खड़ा हुआ है, ये भी कर रहे हैं, और ये दोनों भी लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हो आप? ये कोशिश करें कि पक्षी हमारे भी आगे दाना खाए। हेलो जी, पक्षियों को दाना डाल रही है ये लड़की, देखो दाना डाल रही है अभी भी इस उम्र में आने के बाद में भी। 10 साल का बच्चा है इसका, आओ आओ, शर्म शर्म नहीं है, आओ, 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 आओ। इसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी, दाना डाल रही है ये। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है और म्यूजियम जा रहे हैं। सर म्यूजियम कैसा रहेगा? अंदर से मेरे को गए बहुत जमाने हो गए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। मुझे अंदर से देखे बहुत जमाने हो गए। पहले तो मैंने बहुत बार देखे, यहाँ पे मम्मी वगैरह भी है, और आज अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इन लोगों की बदौलत। तो चलते हैं अंदर। म्यूजियम हॉल में हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रखे हुए कालीन राजाओं के ज़माने के हैं। उस वक्त इतने बड़े बड़े कालीन और कारपेट हुआ करते थे। इसको देखिए कितना मतलब ऊंचाई पे हुआ करता था ये कालीन। दीर्घा से हम लोग निकलते हैं तो हमारे को ऐसे कुछ दिखाई देता है, और इधर साइड में कुछ ऐसा दिखाई देता है, फिर इसके बाद हम निकल जाते हैं सीधा इधर। वाह 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 वाह। यहाँ पे काफ़ी बर्तन वगैरह है, फोटोग्राफी है, और इसके अंदर एंट्री नहीं है, इसको यहीं से देख सकते हैं बस। वाह वाह वाह, क्या चीज़ें बना रखी है यहाँ पर। और यहाँ पे सब फोटोग्राफी में लगे हुए, और अंदर ठंडक है, एसी लगा रखा है, और तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाहर तो धूप में जल गए थे, अब इधर आके पूरी ठंडक का एहसास हो रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफी आ रहे हैं हमारे नजदीक, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं आगे की तरफ। तुम चांग चिंग कल्चर भी है यहाँ पे चाइनीज लोगों का, और उनके कुछ आइटम वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं यहाँ पे तुम चांग की ली। और ये कुछ चाइनीज बना रखा है, चाइनीज आइटम है, पता नहीं क्या है। ये तबला बजाने के लिए बड़ा इन्फ्लुएंस है इस म्यूजियम के अंदर। मैं बहुत ज़माने के बाद आया हूँ तो मुझे याद नहीं है पहले क्या था। इधर भी सब चाइनीज है, इधर भी सब चाइनीज आइटम है, सारे चाइनीज आइटम है। और ये ईरानी और तुर्की आइटम है, क्योंकि हमको यहाँ से पता चला ईरानी और तुर्की में। एक कांच के बने पात्र यानी कि बर्तन, पुराने जमाने के एंटिक बर्तन। पोर्ट्रेट पुराने जमाने के, काफी विदेशी संस्कृतियों को भी दिखाया गया है, और ये सब पोर्ट्रेट है। काफी कुछ लाए हैं यहाँ पे देखने के लिए, ये आप जरूर से अपने आप से विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी समाज वगैरह है, ये देखिए आप। और ये यहाँ पर वही सब बर्तन वगैरह है, और ये एंटिक चीज़ें, चामुंडा 19वीं सदी की चामुंडा देवी, ये है काफ़ी मार्त का पट, 8वीं शताब्दी के हैं ये मोन्यूमेंट्स, और ये 11वीं शताब्दी यानी 1100 साल पुराना है। और ये मोन्यूमेंट्स यहाँ तो काफ़ी एंटिक चीज़ें रखी हुई है। और यक्षी 4वीं शताब्दी वाराणसी में, ये बनारस में 4वीं शताब्दी में कुछ इस प्रकार से मूर्ति कला थी। और ये आरसी मूर्तियाँ रखी गई है, काफ़ी पुरानी रियल मूर्तियों को यहाँ पे रखाया गया है। कोई 11वीं शताब्दी की, कोई 12वीं शताब्दी की है, भगवान बुद्ध की 4वीं शताब्दी की है, और इनकी गर्दन नहीं है यहाँ पे, और लेकिन एक ही है मूर्ति है 4वीं शताब्दी की, बुद्ध की 4वीं पेशावर, यानी कि बहुत पुरानी है। बोधिसत्व 12वीं शताब्दी का हमने कर लिया। अब हम जा रहे हैं सब ऊपर की तरफ, हमारी बच्चा पार्टी। और ये अभी फ़ोन पे दाना डाल रही है, पता नहीं किसको। और यहाँ पर इस टाइप से एंट्री होती है। गर्मियों के अंदर ठंडक की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, ये पूरा गलियारा है। और यहाँ पे पुराने ज़माने की पेंटिंग्स है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स है, सामने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, मोनोमेंट लगाए हैं पुराने ज़माने के। और यहाँ पे सवाई माधोपुर की गेट और प्रकृति की यहाँ पे ये भी प्रति लगाई गई है, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। और यहाँ पे मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी है, मन भावक है, अच्छा लगता है देख के। म्यूजिक के वाद्य यंत्र भी है, और ताम तमूरा गिटार उस जमाने के, तबला ढोलक सभी कुछ है यहाँ पे। और ये सितार गिटार
और ये देखिए राजस्थानी कल्चर के, फोक कल्चर के, इनके सबके अपने अपने नाम लिखे हुए हैं। ये क्या है भाई, क्यों 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 हमारी? और ये हमारे ये सारंगी नारंगी जो भी है, ऊपर देखो बीन, बीन ये सतोइरों की बीन। और यहाँ पर सबसे बड़ी बीना इसको रबाब बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड हो गया है और अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और दी एंड हो चुका है, बाहर की तरफ निकलते हैं हम। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा खुला एक जगह है टाइम पास करने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। 50 रुपये का आपकी जाएगा, लेकिन आप इतिहास से अपने कल्चर से घूम घूमने का आपको मिलेगा। अभी मेरे लोगों की बैटरी खत्म हो चुकी है और DSLR में आज लेके नहीं आया, इसके लिए मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मैं आज आईफोन से शूट कर रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। और अभी हमारा प्लान कहीं और भी जाने का है, तो ब्लॉग खत्म नहीं हो रहा भैया, सीट की पेटी बांधे ही रखना। ये पीछे रह गए सब। कैसा लगा म्यूजियम, कैसा लगा? ये ठीक है, हाँ म्यूजियम अच्छा, क्योंकि यहाँ एसी भी था, टाइम की बहुत शॉर्टेज है और हमें बहुत कुछ घूमना है, जयपुर का भी देख रहे हैं, जितना भी टाइम है हमने एंजॉय ही कर रहे हैं। मम्मी तो हम एक्चुअली हम बाहर आ चुके हैं, हम बिल्कुल एग्जिट गेट पे, यहाँ पे म्यूजियम है और यहाँ से अब आपका भाई मिलेगा इधर जा रहे हैं। अब अभी यहाँ पे आगे क्या प्लान है अभी मुझे नहीं पता, अभी मैं इन लोगों से बात करता हूँ। अब अपने गेस्ट हैं, अपन होस्ट है, तो अपना फर्ज बनता है घुमाने का। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। तो दोस्तों अब म्यूजियम का पूरा वीडियो आपने देख लिया, इसके बाद ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे हवा महल में और भी काफ़ी चीज़ें आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद का वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से बताइए, कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट करना आपका राइट है, जैसे वोट देना आपका राइट है। तो दादा वैसे यूट्यूब वीडियो देखने के बाद अच्छा बुरा जो भी लगा उस पर कॉमेंट करना आपका राइट है, क्योंकि कॉमेंट बॉक्स सिर्फ आपका होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए मस्त मस्त ब्लॉग डालता था। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।